तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले धनिया, ज्यादा नहीं चाहिए, इतना सा ही चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिर्फ इतना सा ही है क्योंकि हमें सिर्फ फेस के लगाना है। क्यों तो थोड़ा सा हमें चाहिए मिल्क और एक नींबू और हनी। सबसे पहले हम लोग धनिया को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने धनिया को ग्राइंड कर लिया अच्छे से, उसमें मैंने और क्वांटिटी ऐड कर दी है ताकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए, अगर ज्यादा हो जाए तो इट्स ओके। नींबू लेना है, नींबू को मैं हाफ काट दूंगी और नींबू के बीज निकाल के मैं इसमें ये हाफ नींबू यूज कर लूंगी। इसके बाद में मैं मिल्क ले रही हूँ, एक चम्मच पहले डालूंगी। तो मैं एक चम्मच ही डाल रही हूँ अभी क्योंकि हमारा पेस्ट वरना बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो चेहरे पे अच्छे से लगेगा नहीं। अब एक चम्मच मैं हनी डाल दूंगी। चम्मच की साइज आप देख सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा और हनी ऐड कर सकते हो। अगर आपको पेस्ट गाढ़ा लगे तो आप ऐड कर सकते हो मिल्क थोड़ा और। तो ये रहा हमारा पेस्ट, अब हमें इसे फेस पे अप्लाई करना है। तो गाइस ये रहा हमारा पेस्ट। तो इस पेस्ट को अप्लाई करने से पहले आप अपना फेस पूरी तरीके से साफ रखिए, मतलब कोई मेकअप वगैरह कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए। मेरी मानी तो अपना फेस बिल्कुल धो लीजिए, मतलब एक बार आप अपना फेस पहले धो लीजिए इस पेस्ट को अप्लाई करने से पहले। मैंने भी अपना फेस धो लिया है तो आप फेस धोना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे इसे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से अप्लाई करना है, थोड़ा सा हमें मसाज करते हुए इसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं अपने चीक्स की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे सर्कुलर मोशन में लगा रही हूँ, तो आपको भी उसी तरीके से लगाना है। मैं इसे होठों के आसपास और दूसरी तरफ भी लगाऊंगी फेस की। तो चलो अब जान लेते हैं क्यों हम खाने की चीजों को अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धनिया की तारीफ से। धनिया में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को सफल सॉफ्ट एंड ब्राइटन लुक देता है। हनी नेचुरली एंटीबैक्टीरियल होता है, ये एसन ट्रीटमेंट के लिए काफी अच्छा होता है और ये कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करता है। ये काफी एक्सट्रीमली मॉइस्चराइज भी करता है आपकी स्किन को जो कि एक स्मूथ एंड ग्लो इफेक्ट देती है। लेमन में विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। मिल्क आपकी स्किन सेल्स को बहुत ही गहराई से नरिश करते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं पूरे दिन भर। अब मैं इसे अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी, सेम प्रोसीजर अप्लाई करती रहूंगी सर्कुलर मोशन में से। अब जो हमारे डार्क स्पॉट्स ज्यादातर होते हैं जैसे कि फोरहेड और लिप्स के आसपास, वहां पे थोड़ी देर से इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाती रहूंगी ताकि हमारी जो डार्कनेस होती है वो रिड्यूस होती जाए। तो इस पैक को फेस पे लगाने के लिए जो आपको टाइम चाहिए वो होगा 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा इतना ही टाइम लगेगा। बाद में कॉटन बॉल की हेल्प से थिक पेस्ट लूंगी और पानी को सारा निचोड़ दूंगी। तो हमारे पास ग्रिंड किया हुआ सिर्फ धनिया बचेगा, तो अब मैं उसी से इसे रब करूंगी। आप देख सकते हैं जब हम पहले कॉटन को डिप कर रहे थे तो हमारे पास थिक पेस्ट भी सही मात्रा में नहीं आ रहा था और जो हमारा जो पानी था और जो लिक्विड था वो लगाने पर बहता चला जा रहा था, तो इसकी वजह से दोनों में से हमारे पास कुछ भी मेन नहीं बच रहा था। जब हम थिक पेस्ट को डार्क एरिया में अप्लाई करेंगे तो वो काफी हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि जो भी आपने पहले अप्लाई किया है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो भी इफेक्टिव होगा, पर डार्क एरिया के लिए हमें अपने थिक पेस्ट पे फोकस करना है और जब हम उसे रब करेंगे अपने डार्क एरियाज में तो वो काफी इफेक्टफुल होगा। तो चलिए अब हमने पेस्ट तो लगा लिया है, अब 15-20 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही रखना है, उसके बाद में हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपको ये कितनी बार यूज करना है। आप इसे वीक में 2 बार यूज कीजिए, आपकी स्किन जो है काफी ब्राइटन रहेगी, काफी बहुत क्लियर दिखाई देगी। और अगर आपके कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कोई भी एरिया फेस का दूसरे एरिया से ज्यादा डार्क है तो ये उसे भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा, मतलब डार्कनेस रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा और ये पूरे फेस को एक इवन टोन देगा। तो आप इसे वीक में 2 बार तो कम से कम लगाइए, काफी अच्छा इफेक्ट होगा। आप इसे 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं बट 2 बार तो जरूर कीजिए। सो गाइस ये है फाइनल लुक। हो सकता है कि एक बार में आपको चेंज ज्यादा दिखा नहीं हो लेकिन आप जब इसे 2-3 बार अप्लाई करेंगे तो आप खुद चेंज नोटिस करेंगे। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरीके से देखते रहें। एंड आई विल सी यू सून गाइस, बाय।